दिस इज टाटा टाइम। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो मित्रगणों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी हो रही है आपकी काइट फ्लाइंग? उड़ा रहे हैं पतंग, मज़े ले रहे हैं, छतों का सीजन शुरू हो चुका है। अपने तो आज भी उड़ी थी भाई, लेकिन बच्चे उड़ा रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख के सुकून फील कर रहे हैं। पाँच छः पतंगे दिख रही हैं आसमान में तो दिल खुश हो जाता है। जल्दी बड़े भी आएंगे तो हम भी छतों पे चढ़ेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी मित्रों, कल रिव्यू किया था आपके भाई ने एक बहुत ही बेहतरीन मांझे का, जो था हसीन लला जी का बेसिक ब्लॉक। और उससे पहले हमने किया था कुछ लॉयन किंग का, जो हमारे वाशिबदा कोलकाता वालों का है, बढ़िया। और आज आपके भाई के पास ना जयदेव, जो कोलकाता के फेमस मेकर हैं, उनका भी मांझा आज। सॉरी दोस्तों, मेरा ये न्यू है ना, थोड़ा सा बाहर लोगों को परेशान करता रहता है। तो वो भी चरखी आ चुकी है, उसकी भी एक शॉट डालेंगे। अब आपके भाई के पास नंटू दा और जयदेव का हो चुका है, खोखा का मांझा भी आने वाला है। बाकी दोस्तों, जल्दी से मतलब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज एक और मांझे का रिव्यू होने वाला है। और जिसका रिव्यू होने वाला है वो है बिग बॉस 14। बिग बॉस 2 आता है वो नहीम का, ये बिग बॉस 14 है। ये दूसरे मेकर है, वो दूसरे मेकर है। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज और टाइम खोटी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग को। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे हम लोग करते हैं, मतलब आप और हम मिलके करते हैं मांझों का रिव्यूज़, अच्छे पतंगों का, अच्छे मांझों का, और डिस्कस करते हैं मांझर पतंगों के बारे में। एंड हम चाइनीज़ मांझे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। डू नॉट यूज़ चाइनीज़ मांझा, हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक दो मोटिवेशनल फ़ोटो, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। तब तक मैं इसे खोल लेता हूँ, नट बोल्ट। तो मित्रगण, तो भैया हमेशा जो मिले समझो, आपने जो मेहनत की है उसी के अनुरूप मिलता रहेगा आपको। तो दोस्तों, वापिस आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो जैसे आपको बताया कि आज हमारा रिव्यू होने वाला है बिग बॉस 14 का, उससे पहले दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सूचना, गर्मी बहुत बढ़ी हुई है तो पानी पीते रहने का और बढ़िया सी सनस्क्रीन लगाना अगर आप मैदान में जा रहे हो। भाइयों, पानी पी के अंदर से डिहाइड्रेशन से बचना और बाहर बढ़िया सी क्रीम लगा के अपनी बॉडी को जलने से बचाना। तो ये हमारा एक छोटा सा संदेश था आप सब पतंग प्रेमियों के लिए, क्योंकि भैया अपना गेम ही ऐसा धूप में आना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो रिव्यू होने वाला है वो हमारा है बिग बॉस 14 का। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है बिग बॉस 14 का रैपर। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये बाकरगंज में ही है, बाकरगंज में मैंने ये इनका देखा हुआ अड्डा। और ओनली फॉर शौकीन नंबर आपके सामने ही है, ये दो नंबर, तीन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बात कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि लोकल मेकर, जो लोकल शॉप जहाँ पे इनका माल जाता है, अच्छा ही जाता है, काफ़ी अच्छे शौकीन है जो इनका मतलब मोस्टली शौकीनों के पास जाता है। तो क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खुद ही बड़ा सा अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। और ये मेरी सेकेंड चरखी है, और इस वाली में और पहले वाली में आपको थोड़ा सा डिफरेंस ही बताऊँगा मैं आपको। तो थोड़ा सा आपको अब दिखाते हैं चरखी, बिकॉज मेजर चीज़ तो वही है ना। तो यो है भाइयों चरखी, जी हाँ भाइयों, यो है अपनी बिग बॉस 14 की चरखी। मांझे का रंग देख सकते हैं, फोकस कर ले मेरे भाई, कैमरा नू, एक तो कैमरे से बड़ी दिक्कत है भाई, यो ना माने कति कहते ना कि जेठ बन जावे, मुंह बना के बैठ जाए, फुप्पो बन जाए कति फुप्पो। तो भाइयों अब फोकस हुआ है, अब देख सकते हैं कलर्स के अंदर, और अंदर से भी रैपर वैसे ही बिग बॉस किंग का, जो अपना किंग 14 ही आता है। मैं बता रहा हूँ, बिग बॉस का एक और आता है वो नहीम का बिग बॉस 2 है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। अब हम बात करते हैं, जो मैंने पहले लिया था वो पहले मेरा कहीं और बाहर से आया था, मतलब मेकर से नहीं आया था, इस बार भी मेकर से नहीं आया, किसी और के थ्रू आया है। तो क्वालिटी में क्या डिफरेंस दिखा, जो पहले आया था वो बारीक था, इस बार हल्का सा मोटा है, मतलब हल्की सी जो है ना कि जो धार है वो थोड़ी चढ़ी हुई है, मतलब बिल्कुल चढ़ी हुई नहीं है, हल्का मोटा है ये। वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा डेफिनेटली, और प्राइस भी बताऊंगा कि क्या प्राइस आपको ये पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले मांझा निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि मांझे का रिव्यू है तो मांझा तो निकालना पड़ेगा। तो मित्र, करते हैं मांझे का रिव्यू यहाँ से कंटिन्यू। तो भाइयों, मांझा निकल चुका है, जो कि थोड़ा सा हल्के कलर का है। अगर आपको फोकस हो रहा हो, अगर ये
मैं फूफा भी ना फोकस ना करे जल्दी से। हाँ थोड़ा सा हुआ, तो अगर आप देखेंगे फोकस हो रहा हो तो देखिए हल्का ये मोटा है, बारीक नहीं बोलूँगा मैं इसको, बिकॉज मैंने इनका यूज़ किया हुआ, थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, मेरे को भी सरप्राइज था। ये थोड़ा सा हल्का मोटा है, बट जो इसकी सुताई है ना, और जो जैसे इसके रिस्पॉन्स रहे हैं, मतलब अगर मैं आपको अरे फूफा कर दे भाई। हाँ अब होगा, देखिए आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा मोटा है, ये बारीक नहीं बोलूँगा, बट मैं इसको ना अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ चड़ी डोर नहीं बोलूँगा, बिकॉज चड़ी डोर में ना कहता ना कि वो रफनेस ज़्यादा होती है, आप समझते हैं रफनेस, जो खुदरापन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें वो खुदरापन नहीं है, ये हल्की मोटी है, बट आई कैन फील द स्मूथनेस, जो एक चिकनापन है इसमें, आई कैन फील दैट इसमें एक चिकनापन लोच फील हो रही है। और काटा तो है ही भाई इसके अंदर, बिना काटे का तो काटेगा कैसे पतंग को, अगर काटा नहीं होगा तो। तो मेरा जो मतलब इसका थोड़ा सा ये रहा कि जो पहली वाली डोर आई थी वो बारीक थी, लेकिन ये मोटी आई है, बट मोटी में इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल चढ़ी हुई डोर है, बिकॉज चढ़ी हुई डोर में क्या होता है ना कि रफनेस जो खुदरापन ज़्यादा होता है वो हाथों में ना ऐसे लगता है कि बस वो कहते ना कि गड्ढे वाले सड़क पर आपकी गाड़ी चल रही है तो वो धचके लगते हैं ना, धचके जोर जो लगते हैं वैसे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ क्वालिटी की, तो अगर जब इस पर आप हाथ इसकी मतलब अगर सुताई चेक करेंगे तो इसमें आपको चिकनापन बिल्कुल महसूस होगा, जो लोच होगी बिल्कुल आएगी इसके अंदर, और साथ में इसमें जो काटा है वो फील होता है साथ में, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो है चढ़ी हुई है, लोच वाला मान जाए चिकना मान जाए, जैसे अगर मैं बताऊं कि हल्का मोटा, बट इसमें लोच है, इसमें चिकनापन है और साथ में शार्पनेस है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरीके के पेचों पे आप इसको लड़ा सकते हैं, तो 600-700-800 मीटर के पेचों पे और हवा तेज़ में आप इस पर बिल्कुल बिल्कुल निर्भर कर सकते हैं, अच्छी हवा में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, बिकॉज हल्का मोटा है तो थोड़ी सी माल ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी जान बनेगी, प्लस बोले तो स्मूथनेस का पूरा ध्यान रखा है मेकर ने, तो जिससे क्या है कि भैया डोर आराम से पतंग पिएगी, और जो पेच होता है ना, जो फंसने में जो पेच की जो एक चाहिए होती है कि भैया डोर चिकनी हो, तो वो निकलती जाए, कहीं अटके ना, कहीं घाव ना खाए, तो वो पूरा इसमें आपको मिलेगा। और कांटे की बात करूँ तो कांटा बहुत प्यारा लगा हुआ है इसके अंदर, कहता ना कि एक बहुत वेल मेंटेन्ड रेशियो में स्मूथनेस और शार्पनेस का इसमें आपको सॉरी मिक्सर मिलेगा, मतलब दोनों की अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो ये था हमारा बिग बॉस को लेकर रिव्यू, और इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये आई थिंक इस टाइम पे 1850 के आसपास का है, बट अभी भी जैसे बीच में प्राइस बढ़े थे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है। मैं नंबर डाल दूंगा स्टिल, उसके बाद भी अगर आपको जैसे काफ़ी लखनऊ उठाऊंगा तो काफ़ी ईजी मिल जाता है, तो आप शॉप पर जाके पूछेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्राइस चल रहा है, बट हमारा रिव्यू यही है इसको लेके कि एक हल्की मोटी डोर बट स्मूथनेस का बहुत बढ़िया, मतलब लोच वाली डोर है ये, बिल्कुल चढ़ी हुई नहीं, टाइट डोर नहीं है, विथ अब कहते हैं ना कि मिक्सचर ऑफ शार्पनेस, एक वेल क्वालिटी मान जाए, जो आपके 700-800 मीटर के पेचों के लिए एक चाहिए होता है वैसा मान जाए, ये प्राइस वाइज 1800-1850 के बीच में पड़ता है। तो आपको अगर आपने बिग बॉस यूज़ नहीं किया और अगर आपको कुछ देख रहे हैं इस प्राइस रेंज में, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, एक अच्छी क्वालिटी का मान जाए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं भाइयों। तो करते हैं वीडियो को ख़त्म, बाकी भाई लोगों को करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो 5-6 फोनों को लेके वहाँ भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। जस्ट जॉकिंग मित्रों, बाकी मिलते हैं।